विगत दिनों होमग्रोन कॉरपोरेशन के द्वारा किए गए फर्जीवाड़ी की शिकार हुई महिलाओं ने अपने पैसे वापसी की मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। 3.5 किलो मोती की माला बनाकर 3,500 रुपए का भुगतान दिए जाने के लालच में फंसी सैकड़ों महिलाओं ने अपना और अपने पहचान वालों को होमग्रोन कॉरपोरेशन में जोड़ा, जिसके बाद लगातार महिलाओं की बढ़ती भीड़ और प्रत्येक से 2500 फीस लेकर लगभग लाखों की फर्जीवाड़ा कर फरार आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पीड़ित महिलाओं से सोमवार को जन दर्शन में पहुंच अपने पैसों की वापसी दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई। इस दौरान पीड़ित महिला ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। महिलाओं के साथ ठगी हुई है और ये छत्तीसगढ़ ठग का इतना बड़ा केंद्र बन गया है कि अन्य राज्य से लोग आके इस राज्य की भोली भाली महिलाओं को, घरेलू महिलाएं जो अपने कमाई की गाड़ी कमाई के पैसे को इकट्ठा करके कुछ रोजगार प्राप्त करने के लिए उसको पैसे दिए थे, वो ठग बहुत आसानी से इनको ठग के शासन के नाकों तले यहाँ से भाग गया है। और भागने के बाद पुलिस ने जब उसको पकड़ा है तो इन महिलाओं की मांग है कि इनका पैसा तुरंत दिलाया जाए, ताकि इन्होंने जिनसे पैसे लेके आए थे और अपनी जो गाड़ी कमाई को इन्होंने लगाया था, इनको पैसा वापस होना चाहिए। और शासन प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से ऐसे लोग आते हैं और कैसे उनको आसानी से यहाँ लाइसेंस मिल जाता है, जबकि यहाँ की जो आम जनता अगर किसी काम के लाइसेंस के लिए जाती है तो उनसे विभिन्न प्रकार के दस्तावेज मांगे जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि घर का टैक्स का कागज लेके आइए, आप किराए में किराया नामा लेके आइए, इतनी सारी पेचीदा प्रक्रिया गुजरते हैं। लेकिन कोई ठग आता है पैसे के दम पर, वो नगर निगम भी यहाँ इसमें दोषी है, उन्होंने कैसे उनको गुमास्ता जारी किया, और अगर वो पकड़ाया है तो इनको जल्द से जल्द इनका पैसा इनको मिलना चाहिए। और जैसे माला दे रहे हैं बिरोने के लिए और उसके बदले में पैसा देंगे, यही सुनी तो हम लोग भी आए। तो जैसे ही हम फार्म भरने लगे तो हमने कहा कि भैया ये फार्म तो इतनी भीड़ हो रही है, तो जैसे चीट फंड में हमने पैसा जमा किया था और उन लोग भाग गए, तो वैसे तो ये नहीं होगा। तो बोले नहीं नहीं, हमने कलेक्टर से आदेश लिया है और बीच मार्केट में है, ये हम लोग वो नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। इस प्रकार से बात, दो साल अभी काम चलेगा और ये आप करोगे और 2-3 साल 6 महीना करोगे, उसके बाद में आप अपना 2,500 का 500 रुपये काट के 2,000 रुपया हम जमा वापस कर देंगे, उसके बाद में काम चलते रहेगा। फिलहाल फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और पीड़ित महिलाएं दबाव बना रही हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके डूबे हुए पैसे उन्हें वापस दिला दिए जाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।